इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे 70 साल के एक बूढ़े डॉक्टर से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ बार बार घचागच भी करती है। अब क्या वो बूढ़ा डॉक्टर उसकी खुजली को मिटा पाता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है अगस्तीन और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम चूचीबाई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन चुलबुली के साथ एक रिच फैमिली में नौकरानी का काम कर रही थी। इसके बाद जब चूचीबाई सभी लोगों को खाना सर्व कर रही होती है तभी अचानक उसका एक हाथ कांपना शुरू कर देता है। वहीं चुलबुली उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो इस पर चूचीबाई उसे कोई जवाब नहीं देती और ड्रिंक सर्व करने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद चूचीबाई का हाथ फिर से कांपने लग जाता है और तभी उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो चूचीबाई के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है। इसके बाद जब चूचीबाई अपनी आंखें खोलती है तो हम देखते हैं कि हिस्टेरिया के अटैक आने की वजह से उसकी एक आंख परमानेंटली बंद हो गई है। इसके बाद चूचीबाई की बहन चुलबुली उसे शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर चिरकुट के पास लेके जाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर चूचीबाई के कपड़े उतारकर उसका चेकअप करता है। फिर चेकअप करने के बाद वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि हमें चूचीबाई पर और कई तरह के टेस्ट करने होंगे जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अब चूचीबाई के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था और वो जल्दी ठीक भी होना चाहती थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद वहाँ की एक नर्स चूचीबाई को बताती है कि यहाँ पर रहने वाले पेशेंट्स कुछ ना कुछ काम करते हैं, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर काम करना होगा। वहीं हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में रह रही सभी पेशेंट्स ऑलमोस्ट लड़कियां ही थी, जिनमें से कुछ हिस्टेरिया बीमारी की शिकार थी और कुछ तो दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुकी थी। फिर रात को सोते वक्त चूचीबाई भगवान से प्रे करती है कि भगवान उसे जल्दी ठीक कर दो, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर उसने कोई पाप किया है जिसकी सजा भगवान उसे दे रहा है। फिर अगली सुबह हम डॉक्टर चिरकुट को देखते हैं जो सभी औरतों का चेकअप कर रहा था। उन सभी औरतों में चूचीबाई भी थी जो अपना नंबर आने का वेट कर रही थी, लेकिन जब तक उसका नंबर आता उससे पहले ही डॉक्टर चिरकुट का टाइम खत्म हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चूचीबाई को देखते हैं जो बाकी औरतों के साथ किचन में काम कर रही थी, लेकिन तभी सभी औरतों के पिछवाड़े में अचानक चुल मचती है और वो सभी भागते हुए खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती हैं। दरअसल वो सभी औरतें डॉक्टर चिरकुट को बाहर जाते हुए देख रही थी। अब ये देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि डॉक्टर चिरकुट का छोटा चिरकुट इतना बड़ा था कि सभी औरतें उसकी दीवानी हो गई थी। वहीं चूचीबाई भी जब चिरकुट को जाते हुए देख रही थी तभी अचानक उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है और वो नीचे गिरकर तड़पने लगती है। अब उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर चिरकुट भागते हुए उसके पास आता है और फिर जब वो चूचीबाई की हालत देखता है तो उसकी फटकर 64 हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक हिस्टेरिया का इतना खतरनाक अटैक नहीं देखा था। अब ये देखकर डॉक्टर चिरकुट वहीं रुक जाता है और फिर वो चूचीबाई की बॉडी को चेक करने लगता है। इसी दौरान वो उसकी बॉडी पर कई जगह लाइनें बनाता है क्योंकि उसकी बॉडी के कुछ हिस्से पैरालाइज हो चुके थे। इसके बाद चिरकुट एक सुई गर्म करके उसे चूचीबाई के हाथ में घुसा देता है, पर चूचीबाई को इससे कुछ भी महसूस नहीं होता, जिसका मतलब उसका एक हाथ पैरालाइज हो चुका था। इसके बाद एक नर्स चूचीबाई को कपड़े पहनाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर चिरकुट अपने असिस्टेंट को बताता है कि हमें चूचीबाई को लोगों के सामने लाना होगा ताकि उन्हें भी पता चले कि हिस्टेरिया एक बीमारी है न कि कोई श्राप। फिर इसके बाद हम चिरकुट को अपने घर पर डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को चूचीबाई और उसकी बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि मैं इसे जल्दी ही लोगों के सामने लाने के बारे में सोच रहा हूँ। वहीं अगले दिन चूचीबाई की बहन चुलबुली उससे मिलने आती है और फिर वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर चिरकुट उसे फिर से चेकअप करने के लिए बुला लेता है। यहाँ पर वो चूचीबाई की मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए उससे कुछ सवाल पूछता है जिसका वो सही से जवाब दे देती है। इसके बाद डॉक्टर चिरकुट चूचीबाई को बोलता है कि वो कल उसे कुछ लोगों के सामने पेश करने वाला है और उसे उम्मीद है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। फिर अगले दिन कुछ औरतें चूचीबाई को तैयार करके एक रूम में लेकर आती हैं, जहाँ पर डॉक्टर चिरकुट के अलावा भी कई सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे। इसके बाद डॉक्टर चिरकुट सभी डॉक्टर्स को बताता है कि चूचीबाई को हिस्टेरिया की बीमारी है जिसके कारण इसे अटैक आते हैं, इसलिए अगर हम इस बीमारी पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें तो हमें इस बीमारी के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। फिर उन सबको दिखाने के लिए डॉक्टर चिरकुट का असिस्टेंट चूचीबाई को हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज होते ही चूचीबाई को फिर से हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। अब ये देखकर वहाँ बैठे सभी डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं और वो डॉक्टर चिरकुट के इस एक्सपेरिमेंट पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि इन पैसों से डॉक्टर चिरकुट इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। फिर इसके बाद हम डॉक्टर चिरकुट को कुछ मेहमानों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग सिर्फ चूचीबाई के बारे में ही बातें कर रहे थे कि उसको अटैक आने पर वो काफी अजीब हो जाती है। अब चूचीबाई के बारे में बातें सुनकर डॉक्टर चिरकुट को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि कुछ औरतें अटैक आने पर काफी अजीब हरकतें करती हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए तुम लोगों को चूचीबाई के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
इसके बाद रात को जब डॉक्टर चिरकुट चूची बाई की फाइल देख रहे थे तभी वो उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि डॉक्टर चिरकुट चूची बाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर चिरकुट चूची बाई का चेकअप करके उसे एक प्राइवेट रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। वहां आकर चूची बाई को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि चूची बाई भी अब चिरकुट को पसंद करने लगी है। फिर अगले सीन में हम चूची बाई को एक मुर्गी पकड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद चिरकुट उसे वो मुर्गी मारने के लिए बोलता है। अब चूची बाई उस मुर्गी को मार तो देती है, लेकिन ऐसा करते ही वो बेहोश हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि उसकी एक आंख जो पहले अटैक से बंद हो गई थी वो अब खुल चुकी है, लेकिन उसका एक हाथ अभी भी पैरालाइज है। इसके बाद चिरकुट चूची बाई की पूरी बॉडी को चेक करता है, जहाँ पर सब कुछ ठीक था, बस उसका एक हाथ ही बचा था जो अभी भी पैरालाइज था। अब चूची बाई अपनी आंख ठीक हो जाने के बाद डॉक्टर चिरकुट की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, जिसके लिए वो हर रोज उसके कैबिन में उससे मिलने जाती है। वहाँ चिरकुट को भी चूची बाई के इस अट्रैक्शन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता। फिर अगले दिन चिरकुट कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है, जिसके कारण हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर्स आकर चूची बाई का इलाज करने लगते हैं। लेकिन चूची बाई को सिर्फ डॉक्टर चिरकुट का ही छोटा चिरकुट चाहिए था, इसलिए वो दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मना कर देती है और किसी पागल औरत की तरह अजीब हरकतें करने लगती है, जिसको देखकर डॉक्टर्स भी उसे उसके रूम में बंद कर देते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर चिरकुट भी वापस आ जाता है और वहाँ पर एक नर्स उसे बताती है कि आपके जाने के बाद चूची बाई ने दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मना कर दिया और उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। अभी सुनते ही डॉक्टर चिरकुट सीधा चूची बाई के रूम में जाता है और उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है, जिसे चूची बाई भी बिना कोई बकचोदी करे पी जाती है। इसी दौरान चूची बाई चिरकुट के साथ गचागच मचाने के लिए उसके नजदीक आने की कोशिश करती है, पर चिरकुट इससे नाराज हो जाता है और वो चूची बाई को वहाँ से भगा देता है। पर फिर कुछ देर बाद डॉक्टर चिरकुट के अंदर भी ठरक जागने लगती है, इसलिए वो रात को चुपके से चूची बाई के रूम में आता है और उसे सोते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब वो वापस अपने घर जाता है तो वहाँ पर भी वो सिर्फ चूची बाई के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर अगली सुबह डॉक्टर चिरकुट चूची बाई के ऊपर एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है, जिसके दौरान उसे काफी दर्द होने लगता है। वहीं एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद जब डॉक्टर चिरकुट और चूची बाई बातें कर रहे थे, तब चूची बाई उसे बोलती है कि आप मुझ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो, पर उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल रहा, ऐसे तो मैं पता नहीं कब तक ठीक हो पाऊंगी। पर इस पर डॉक्टर चिरकुट उसे पूछता है कि तुम ठीक होकर क्या करोगी, तो चूची बाई उसे बोलती है कि मैं ठीक होकर यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अभी सुनकर डॉक्टर चिरकुट उसे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर घर आने के बाद डॉक्टर चिरकुट को एक चिट्ठी से पता चलता है कि उसे चूची बाई को फिर से कुछ डॉक्टर्स के सामने पेश करना होगा। फिर अगले दिन चिरकुट इस बारे में चूची बाई को बताता है, तो चूची बाई को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन कुछ नर्स मिलकर चूची बाई को तैयार कर देती हैं, पर अब क्योंकि चूची बाई वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका हाथ जो पहले पैरालाइज था वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर चिरकुट को देखते हैं, जो बाकी डॉक्टर्स को बता रहा था कि आज वो ये बात प्रूफ करके रहेगा कि जिन भी औरतों को हिस्टेरिया की बीमारी है उन्हें ठीक किया जा सकता है। फिर वहाँ पर चूची बाई को बुलाया जाता है, पर क्योंकि अब उसका हाथ ठीक हो चुका था, इसलिए फिर भी वो ऐसा दिखावा करती है कि उसका हाथ अभी भी पैरालाइज है। फिर इसके बाद जब चिरकुट का असिस्टेंट उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है तो चूची बाई पर इसका कोई असर नहीं होता। पर अब डॉक्टर चिरकुट की बेइज्जती ना हो, इसलिए चूची बाई सबके सामने अटैक आने का नाटक करने लगती है, पर डॉक्टर चिरकुट भी उसको देखकर समझ जाता है कि चूची बाई नाटक कर रही है। फिर कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद जब चिरकुट अपने कैबिन में वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर चूची बाई आधी नंगी होकर खड़ी हुई है। अब उसको देखकर चिरकुट के अंदर भी ठरक जाग जाती है और फिर वो दोनों वहीं पर ही घचागच मचाना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ देर घचागच करने के बाद चूची बाई भी वहाँ से चली जाती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब डॉक्टर चिरकुट बाकी सभी डॉक्टर्स को गुड बाय बोल रहा था, तभी वो वहाँ पर चूची बाई को देखता है जो एक डॉक्टर बनकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर चिरकुट उसे वहाँ से जाते हुए देख तो लेता है, पर वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि चूची बाई अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब चूची बाई उस हॉस्पिटल से निकलने में कामयाब हो जाती है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।